गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई इकोनॉमिक्स क्लास 10th एंड द चैप्टर विच आई एम गोइंग टू टेक टूडे इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी. हैव यू एवर थॉट दैट हाउ द प्राइजेज आर डिटरमाइंड? बिफोर दैट, वॉट डू यू मीन बाई प्राइजेस? क्या चीज है प्राइजेस? जैसे किसी भी चीज की प्राइस आप कैसे निर्धारित होती है? हाउ डू वी डिटरमाइन इट? यू परचेज सेवरल थिंग्स, यू परचेज वेजिटेबल्स, यू परचेज क्लोथ्स, एसेसरीज. हाउ द प्राइजेस आर फिक्स्ड? सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक दिस चैप्टर डिटरमिनेशन ऑफ प्राइजेस एंड क्वांटिटी. बिफोर दैट लेट अस डू द रिकैप ऑफ द फ्यू लास्ट चैप्टर्स विच वी टुक. वी टुक डिमांड एंड सप्लाई. हमने डिमांड एंड सप्लाई की बात की थी. जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, जब प्राइजेस कम होती है तो सप्लाई बढ़ती है. इजंट इट? ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमने किया था, जब प्राइजेस और डिमांड एंड सप्लाई कैसे कम होती है बढ़ती है. इजंट इट? नाउ जब एक डिटर्मिनेशन हम करते हैं प्राइजेस एंड क्वांटिटी की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जब आप तक के जो कमोडिटी आती है वो किन रेट्स में आती है और वो कैसे रेट्स को निर्धारित किया जाता है. तो सबसे पहले जो बात आती है प्राइस, पहले चीज़ क्या होती है? प्राइस. प्राइस यानी क्या कह सकते हैं? द मनी दैट इज फिक्स्ड एंड दैट यू गिव टू द शॉपकीपर, टू द सेलर. वो क्या होती है? प्राइस होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की कीमत. ओके, व्हेन अ सेलर सेल्स अ कमोडिटी ही एक्सचेंज इट फॉर मनी एंड दैट इज द प्राइस यू पे टू द सेलर. ठीक है, तो अब इन प्राइजेस को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले व्हाट यू डू इज यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम. क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे थे? डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे थे. प्राइस बढ़ती थी तो डिमांड कम होती थी, प्राइस कम होती थी तो डिमांड बढ़ती थी. सिमिलरली सप्लाई में उल्टा होता था, प्राइस बढ़ती थी तो सप्लाई भी बढ़ती थी एंड प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है. तो अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस की. तो प्राइस तो हमने बताया आपको कि प्राइस इज समथिंग दैट यू पे टू द सेलर, लेकिन ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या चीज है? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? बैलेंस. इजंट इट? कोई चीज बैलेंस करना, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, जहां पे वो एक स्टेबल हो जाती है. ओके, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर बोथ इक्वल. ओके, प्राइस एट विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. ठीक है, अब हम इसको एक शेड्यूल से समझेंगे. मान लीजिए ये प्राइजेस ऑफ ऑरेंज दी हुई है आपके, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस. ठीक है, नाउ इस सेकंड कॉलम में आपको दिया है क्वांटिटी डिमांडेड. Quantity supplied. अब हम ये देखेंगे कि price of orange rupees per kg के हिसाब से different prices दी हुई है आपको. Suppose 20, 18, 16, 14 and 12. ठीक है, देन क्वांटिटी इस 20 रुपीज पे क्वांटिटी जो डिमांड होती है कितने के जी होती है? 100. 18 पे 150, देन 16 पे 200, देन 250 एंड 300. ओके, देन क्वांटिटी सप्लाइड इज 300, 250, then 200, 150,
एंड देन 100. ये आपको क्वांटिटी दी हुई है और प्राइजेस दिए हैं, और आप इसमें भी आप लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड देख सकते हैं कि जैसे जैसे कीमतें कम होती है डिमांड केजी में बढ़ती जाती है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है. जबकि ऑरेंजेस आपका ये पर डे के हिसाब से बताया गया है, 20 केजी ऑरेंज सप्लाई 300 थी, 18 में 250 थी. यहाँ पे आपके जैसे जैसे कम होते जा रही है प्राइजेस, यहाँ पे सप्लाई भी कम होती जा रही है, और यहाँ पे प्राइजेस कम होती है तो डिमांड, प्राइजेस कम होते में डिमांड बढ़ती जा रही है, इजंट इट. अब देखना ये है कि कौन सी इक्विलिब्रियम प्राइस है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, जिससे वो रेट हम मार्केट में रखें. ओके, सो यू विल सी द प्राइस एट विच वो डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इज ₹16, isn't it? Here demand is 200 and supply is 200, isn't it? So what is the equilibrium price? Equilibrium price is your ₹16. ठीक है? Equilibrium price क्या हो जाएगी? मतलब जो market में आपको मिलेगी वो price होगी ₹16 पे per kg. पर केजी पे आपको oranges मिलेंगे. एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मतलब जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड वे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. ठीक है, ओके. सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड डिमांडेड. अब इसमें एक पार्ट और है इस चैप्टर का, जो कि ये इफेक्ट बताता है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. तो डिमांड अगर चेंज होती है, मतलब डिमांड अगर इस इक्विलिब्रियम प्राइस के बाद भी, अगर लोग इस 16 रुपीस के बाद भी अगर डिमांड थोड़ी सी भी शिफ्ट हो जाती है, 200 से मे बी 250 हो सकती है, 200 से 150 हो सकती है, तब क्या होता है? तो क्या होगा, जब भी इंक्रीज होती है डिमांड, एंड इंक्रीज इन डिमांड एट इक्विलिब्रियम प्राइस में भी, व्हाट इट विल लीड टू इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस. होता क्या है, जब अगर 16 रुपीज पे मान लीजिए 200 केजी की जगह 250 लोग डिमांड करते हैं 16 रुपीज पे ऑरेंजेस, तो क्या हो जाएगी, क्या होगी इक्विलिब्रियम प्राइस? बढ़ जाएगी. ओके, क्यों? क्योंकि जब भी डिमांड ज्यादा होती है किसी चीज की तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ा दी जाती है. लोग ज्यादा जब डिमांड करेंगे किसी भी प्राइस पे तो उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि उसका सप्लाई तो उतना ही हो रहा है. ठीक है, ऐसे ही जब सप्लाई बढ़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई? When the supply of a commodity decreases but its demand remains same, then the equilibrium price will increase, isn't it? इसको आप ऐसे समझिए कि supply किसी भी commodity की supply अगर कम है market में, what will happen? When the supply of the commodity decreases, अगर ये मान लीजिए ये 200 kg supply नहीं है, तो 200 की जगह मान लीजिए 150 केजी ही सप्लाई हो रहा है, और डिमांड कितने लोग कर रहे हैं? ज्यादा लोग कर रहे हैं. तो उस केस में क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी? इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज. ओके, सो यू कैन से द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, जब भी चीजों की डिमांड बढ़ती है तो यहां पे प्राइस जो है इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस विल डिक्रीज. सॉरी, इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज. ठीक है, समझ में आया? जब भी डिमांड ज्यादा लोग करेंगे और चीज तो उतनी ही है सप्लाई में, तो क्या किया जाएगा, उसकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. और जब सप्लाई, व्हेन सप्लाई
इंक्रीजेस, अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में चीज ज्यादा है और उनको बेचना है, डिमांड उतनी नहीं है, डिक्रीज। ओके, सो दिस इज होल योर चैप्टर, यू कैन से दिस इज समरी ऑफ योर चैप्टर एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड quantity. And what is equilibrium price and quantity? You may note down the definition that at the price at which the quantity demanded and quantity supplied are both equal. Okay? I hope it is very clear to all of you. Thank you so much.